सो गाइस वेलकम बैक टू द कैट। ओला की प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं जैसा कि हम सबको पता है, और अगर आप ईवी स्कूटी खरीदने की सोच रहे थे तो ये वाला टाइम सबसे बेस्ट है आपके लिए। सो ये वाली वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ओला ने अपने प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप कर दिए हैं। जिन्होंने ये स्कूटी खरीद ली है तो उनके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, बट जो खरीदने वाले हैं ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें आपके बहुत ज्यादा पैसे सेव होने वाले हैं, बैटरी में भी और प्राइस में भी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको देता हूँ एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप ओला स्कूटी खरीदने वाले हो तो आप खरीद सकते हो जकैट से। जकैट मिलती है आपको सारी की सारी ईवी स्कूटी जिनका प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जकैट आपको देता है बाय करने के साथ साथ रेंट का ऑप्शन, लीज का ऑप्शन, तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। आपको अपनी ईवी स्कूटी बुक करने के लिए सिर्फ ये फॉर्म फिल करना है, उसके बाद जकैट की टीम आपको खुद कॉन्टेक्ट करेगी और आपको वो ईवी प्रोवाइड करवाएगी। सो डायरेक्ट खरीदने से अच्छा है कि आप जकैट से खरीदें, क्योंकि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। साथ में आपको 1C EV चार्जिंग सेशन पे चार्जिंग फ्री मिलती है। सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप जकैट पे पढ़ सकते हैं। सो जाके चेक करें और बुक करें अपनी न्यू ईवी इस साल। एंड गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना जकैट को, क्योंकि हम लेके आते रहेंगे आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो और भी। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ओला स्कूटर्स के बारे में कि कितना प्राइस ड्रॉप हुआ। सबसे पहले बात करते हैं ओला S1X के बारे में, जिसका प्राइस था 80,000 रुपीस एंड राइट नाउ उसका प्राइस हो गया है 69,999। सीधा ओला ने 10,000 रुपए की कॉस्ट कटिंग कर दी है ओला S1X। ओला S1X मिलते हैं आपको 3 वेरिएंट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट एंड 4 किलोवाट, सबके प्राइस में डिस्काउंट दिया गया है। 2 किलोवाट में मिल जाती है आपको रेंज 85 किलोमीटर की, जिसका प्राइस है 69,999 एंड 3 किलोवाट में मिल जाती है आपको रेंज 125 किलोमीटर की, जिसका प्राइस है 84,999। मींस की सिर्फ 15,000 रुपए का फर्क है, जिसमें आपको मिल जाती है कम से कम 35 से 40 की रेंज ज्यादा। एंड 4 किलोवाट की रेंज है 167 किलोमीटर, जिसका प्राइस है 99,999। ओला S1X में आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, साथ मिल जाती है 90 किलोमीटर की टॉप स्पीड। सो अगर आपको रेसिंग का बहुत शौक है तो आप ये वाला स्कूटर खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें आपको स्पीड भी अच्छी खासी मिलती है। एंड साथ में मिल जाता है इसमें आपको 4.3 इंच का LCD स्क्रीन, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही में ओला दे रहा है आपको 8 साल की बैटरी वारंटी और 80,000 किलोमीटर तक की सर्विस। मींस कि आपको 8 इयर्स तक कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर अपनी स्कूटी यूज कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको देता हूँ एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप ओला स्कूटी खरीदने वाले हो तो आप खरीद सकते हो जकैट से। जकैट मिलती है आपको सारी की सारी ईवी स्कूटी जिनका प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जकैट आपको देता है बाय करने के साथ साथ रेंट का ऑप्शन, लीज का ऑप्शन, तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। आपको अपनी ईवी स्कूटी बुक करने के लिए सिर्फ ये फॉर्म फिल करना है, उसके बाद जकैट की टीम आपको खुद कॉन्टेक्ट करेगी और आपको वो ईवी प्रोवाइड करवाएगी। ओला S1X का डिजाइन भी बहुत सिमिलर है बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से। इस वाले मॉडल में आपको 7 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग हेड वेलोसिटी, मिडनाइट, वोक, स्टेलर एंड मोड। तीनों वेरिएंट में आपको इको मोड, नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट्स मोड भी मिलता है, और 2 किलोवाट एंड 3 किलोवाट वेरिएंट में आपको सेम पोर्टेबल चार्जर मिलता है जो कि है 500 वाट का, एंड 4 किलोवाट मॉडल में आपको 750 वाट का चार्जर मिलता है। एंड ओला इसमें आपको स्मार्ट फीचर भी देता है, जिसमें आपको स्टैंड अलर्ट मिल जाता है, रिवर्स मोड मिल जाता है, OTA अपडेट मिल जाते हैं, एंड ये सारे फीचर्स आप ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। सो गाइस अब अगर बात करें ओला S1 प्रो के बारे में, जिसका एक्स शोरूम प्राइस था 1,47,500, अब उसका प्राइस है 1,30,000 जो कि है एक्स शोरूम प्राइस। उसका प्राइस 17,500 ड्रॉप हुआ। ओला S1 एयर में भी 15,000 का प्राइस ड्रॉप हुआ है। ओला S1X में प्राइस ड्रॉप हुआ है 25,000 रुपए का, जिसका पहले एक्स शोरूम प्राइस था 1,10,000 और अब हो चुका है 85,000। एंड गाइस अब अगर बात करें सर्विस की, तो जैसा कि हमें पता ही है कि ओला की सर्विस में बहुत दिक्कतें आती रहती हैं, हमने इस पे वीडियोस बना रखी हैं, आप जाके वो चेक कर सकते हो और ओला को टैग जरूर कर सकते हो कि यार लोग कितना ही परेशान हो रहे हैं एक ओला के सर्विस सेंटर से और ओला के चार्जिंग स्टेशन से। बट राइट नाउ ओला के 414 सेंटर हैं अभी, बट ओला ने अब अनाउंस कराया कि वो 600 प्लस अपने सर्विस सेंटर खोलेगा नेशन वाइड। सो आई होप ओला अपने सर्विस सेंटर पे ध्यान देगा एंड साथ ही में चार्जिंग स्टेशन पे भी ध्यान देगा, ताकि जो भी अपकमिंग ईवी खरीदने वाले हैं ओला की उनको दिक्कत ना हो, जिससे अभी लोग जूझ रहे हैं। एंड गाइस आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या रिव्यू है चार्जिंग स्टेशन को लेके एंड उनके सर्विस सेंटर को लेके। क्या आपको टाइम पे सर्विस मिल जाती है, क्या आपको टाइम पे चार्जिंग मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो कमेंट डाउन बेलो एंड टैग करना मत भूलना ओला को। सो गाइस ओला के इतने प्राइस ड्रॉप होने के बाद क्या आप ओला खरीदोगे? अगर खरीदोगे तो कौन सा वेरिएंट खरीदोगे? सो ये सारी बातें हम करेंगे कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट करना मत भूलना और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना सकैट को। जाने से पहले मैं आपको देता हूँ की इन्फॉर्मेशन की, अगर आप ओला खरीदने की सोच रहे हो तो आप जा सकते हो जकैट पे। जकैट पे मिलती है आपको सारी की सारी ईवी स्कूटी, जिसमें आपको ओला के साथ साथ बहुत सारे स्कूटर्स मिल जाएंगे। आपको जो भी खरीदना है आप खरीद भी सकते हो, रेंट पे भी ले सकते हो और लीज पे भी ले सकते हो।
तो Zacad पे आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिल जाते हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको जाना है Zacad.in पे और वहां पर जाके ये फॉर्म फिल करना है। उसके बाद Zacad की टीम आपको खुद कॉन्टेक्ट करेगी एंड आपको वो ईडी प्रोवाइड करवाएगी। सो गाइस वेट मत करो, जाके अभी चेक करो Zacad.in पे। सो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना Zacad को।